आगे बढ़ेंगे रायपुर से, अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में पीलिया ने दस्तक दे दी है, एक बार फिर से दस्तक दी है पीलिया ने। पीलिया के चार मरीज सामने आ गए हैं, एक की हालत गंभीर है। एक हफ्ते से लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और जिसकी वजह से पीलिया ने एक बार फिर से दस्तक दी है। आपको बताएं कि शिकायत के बाद भी साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रायपुर मेयर एजाज टैबर का बयान सामने आया, टीम भेजकर पाइपलाइन की जांच कराएंगे, तो ये मेयर की तरफ से कहा गया है। लेकिन एक हफ्ते से लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, क्यों नहीं यहां पर हालांकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं पहले से जांच जो है वो करवाई गई, क्यों आखिरकार ये इंतजार किया गया कि लोग बीमार होंगे उसके बाद यहां पर जांच करवाई जाएगी। सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, पीलिया ने एक बार फिर से दस्तक दी है लेकिन मेयर की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जांच करवाएंगे पाइपलाइन की, क्यों नहीं पहले एक हफ्ते से जब ये सारी चीजें बंद थी, गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, क्यों नहीं जांच पहले करवाई गई? क्या उनको जानकारी नहीं थी इस बात की? देखिए, जिस तरह से महापौर एजाज टैबर का बयान आ रहा है कि वो पाइपलाइन की जांच करा रहे हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है जिसके कारण जो है चार लोग अभी पीलिया के जो मरीज हुए हैं और जो है क्षेत्र में फैल गया है। और आलम यह है कि जब शिकायत की गई उसके बाद भी शिकायत का निदान नहीं हुआ, जबकि हम बात करें तो 31 अधिकारियों को अलग अलग जोन वाइज जो है उनका नंबर जारी किया गया है अधिकारियों। बिल्कुल बिल्कुल सत्या, सवाल उठने लाजमी भी इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि एक तो लोग अब बीमार हो रहे हैं पीलिया की वजह से, दूसरी तरफ अब मेयर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टीम भेजकर जांच करवाएंगे पाइपलाइन की, लेकिन साफ पानी की सप्लाई कब तक हो सकेगी इसके बारे में स्पष्ट तौर से नहीं कहा गया है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पीलिया ने दस्तक दे दी है, पीलिया के चार मरीज सामने आए हैं, एक की हालत गंभीर भी बनी हुई है। एक हफ्ते से लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और उस गंदे पानी को ही यूज कर रहे हैं जो राजधानी रायपुर के जो लोग हैं। शिकायत के बाद भी यहां पर सप्लाई नहीं हुई साफ पानी की, लगातार गंदे पानी की सप्लाई ही होती रही। हालांकि जब मेयर को इस बारे में जानकारी दी गई, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पहले टीम भेजी जाएगी उसके बाद पाइपलाइन की जांच की जाएगी। लगातार गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, शिकायत के बाद भी साफ पानी की सप्लाई नहीं हुई। देखिए, शिकायत भी कर दी गई एक हफ्ते से, जब यहाँ पर रायपुर वासी जो परेशान हो रहे हैं, रायपुर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गंदे पानी की वजह से, उन्होंने शिकायत भी की लेकिन उसके बावजूद भी कुछ असर नहीं हुआ।